सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, वो देश के लिए क्या कर सकता है। जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं तो मैं कहता हूं Bring it on। You should die, my friend। वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान के पठान के 18 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तेलुगु फिल्म एमिगोस के 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वही इस हफ्ते रिलीज होने जा रही कार्तिक आर्यन की शहजादा के एडवांस बुकिंग कलेक्शन और हॉलीवुड की फिल्म एंट मैन के भी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड के सुल्तान और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें तेलुगु फिल्म एमिगोस के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कल्याण राम। फिल्म का बजट है 15 करोड़ रुपए। फिल्म को दुनिया भर में 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया है। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों कल्याण राम की पिछली फिल्म बिंबिसरा बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी और फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन भी काफी बढ़िया रहे थे, लेकिन यहां पर एमिगोस फिल्म को जो ओपनिंग मिली है वो पूरी तरह से काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3 करोड़ 20 लाख रुपए का किया, तो दूसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। इसी के साथ एमिगोस का 2 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ 70 लाख रुपए रहा, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 6 करोड़ 80 लाख रुपए, फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुआ। इसी के साथ दोस्तों एमिगोस फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 8 करोड़ का। बता दें दोस्तों फिल्म का बजट जहां 15 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को ग्रोस कलेक्शन ही 35 करोड़ की रेंज में करना होगा, वही नेट कलेक्शन मिनिमम 20 से 22 करोड़ रुपए। वही अब अगर बात करें हॉलीवुड की इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्म एंट मैन के बारे में, तो दोस्तों एंट मैन जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश 4 से 5 भाषाओं में इंडिया में रिलीज किया जाना है। हालांकि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी तक सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं की शुरू हुई है। और बात करें एंट मैन के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों फिल्म की बुकिंग को सुबह शुरू किया था, लेकिन फिल्म को एडवांस बुकिंग में जो रिस्पांस मिला है काफी कमाल का है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने इंग्लिश वर्जन में 52 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है, वही हिंदी वर्जन में फिल्म की बुकिंग लगभग 6 लाख से ज्यादा की हुई है। यानी कि दोस्तों यहां पर एंट मैन की ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग 58,65,000 की हुई है और फिल्म की इंडिया में टिकटें 11,200 के आसपास बिक चुकी है। दोस्तों फिल्म रिलीज हो रही है शहजादा के साथ और अभी एडवांस बुकिंग देखकर लग रहा है कि एंटमैन शहजादा को पूरी तरह से कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर शहजादा की जो एडवांस बुकिंग है वो भी आज से शुरू हुई थी एंटमैन के साथ में। लेकिन बात करें शहजादा के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो रोहित दहोन के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म शहजादा, जिस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन देखने को मिलेगी, बताना चाहूंगा यह फिल्म अल्लू अर्जुन की मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी अलावे पुरमुलो का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। अब दोस्तों शहजादा की जो ऑल इंडिया से एडवांस बुकिंग में टिकटें बिकी है वो बिकी है सिर्फ 630। जी हाँ दोस्तों, 630 टिकटें इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में बिक चुकी है और फिल्म की ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन सिर्फ 2,20,000 का हुआ है। तो एडवांस बुकिंग में तो फिल्म को रिस्पॉन्स काफी ठंडा मिला। हालांकि फिल्म की जो ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग है वो अभी तक पूरी शुरू नहीं हुई, सिर्फ लिमिटेड एडवांस बुकिंग को शुरू किया है, फिर भी एडवांस बुकिंग में फिल्म का जो रिस्पॉन्स है वो काफी ठंडा है। तो बात करें सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी के जान के बारे में, तो एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी के जान का ट्रेलर आने से पहले इसका पहला सॉन्ग नयो लगदा रिलीज होगा। तो आज खुद सुपरस्टार सलमान खान ने भी यह कंफर्म कर दिया है कि नयो लगदा सॉन्ग ट्रेलर के पहले आएगा और आपको जानकर खुशी होगी कि किसी का भाई किसी के जान का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो रिलीज होने वाला है कल, यानी कि 12 फरवरी को। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग कल 12 फरवरी को रिलीज होगा, जो कि एक रोमांटिक ट्रैक होने वाला है, जिसे गाया है पलक मुंचल ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने। तो एक्साइटेड हो भैया सलमान खान और हिमेश रेशमिया की जोड़ी के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब जब हिमेश रेशमिया ने भाई की फिल्मों में म्यूजिक दिया है उनके गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। लेकिन अब अगर बात करें 2023 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म पठान के बारे में, जी हां दोस्तों, यहां पर पठान फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुके हैं 18
18 दिन और फिल्म ने 18 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन किया है वो पूरी तरह से कमाल का है। मतलब कि फिल्म ने हिंदी, तमिल, तेलुगू जितने भी भाषाओं में रिलीज हुई थी सभी तरफ से काफ़ी शानदार कलेक्शन कर लिए। यहाँ तक कि फिल्म का जो ओवरसीज कलेक्शन है यानी कि विदेशी कमाई वो भी काफ़ी कमाल की रही। अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों पठान फिल्म ने शुरुआती 18 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 475 करोड़ का कर लिया है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 567 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, पठान फिल्म का ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन हुआ है 348 करोड़ रुपए और इसी के साथ 18 दिनों में पठान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 915 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 18 दिनों में फिल्म दुनिया भर से 915 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है।